तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन, आप सब लोग बढ़िया होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दाढ़ी वाला ब्लॉगर की फैमिली हो। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं यूपी टूर करने। हम बनारस जाएंगे, आगरा जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, वृंदावन, मथुरा सब जाएंगे। ये हमारे लोग हमारे साथ जो जा रहे हैं, सामान, हमारा ट्रेन। अभी हम बोर्ड करेंगे, अंदर जाएंगे। और मतलब काफ़ी टाइम है, अभी आधा घंटा के आसपास है हमारा ट्रेन खुलने में। तो अभी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर अंदर चलेंगे। काफ़ी मज़ेदार होने वाला ट्रिप, क्योंकि दोस्तों के साथ ऐसा, एक बार जब दिल्ली गया था तब मैं बैठा था दोस्तों के साथ। अभी फिर मैं अभी ट्रेन में, जब अभी बनारस का ट्रिप में नए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं यूपी टूर करने अपना। पहले हम जाएंगे मथुरा, वृंदावन, आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, बनारस से प्रयागराज, वापस गुवाहाटी। तो ये एक लंबा टूर होने वाला है, मजा आएगा काफी। तो व्लॉग पे बने रहना। और मेरे साथ कौन कौन है आप देख ही चुके हैं। हनी है, ये लोग हैं। हम अपना आ चुके हैं, लगेज वगैरह हमने सब सेट कर लिया है। भैया पहला ट्रिप है हमारा साथ में, आई होप मजा आएगा, है ना? आई होप क्या मजा आएगा ही, भौकाल मचाएंगे, है ना भाई? कैसा लग रहा है एसी में नहीं बैठ के, स्लीपर में बैठ के? सस्ता जीबी, सस्ता जीबी। तो रात का हम नजारा दिखाएंगे आपको एसी का, जब पूरा लगेगा कि मॉर्ग रूम है तब मजा आएगा ना। रात जब सफेद चादर ओढ़ के सब सोएंगे तब। तो हमारी ट्रेन खुल चुकी है ब्रह्मपुत्र नदी से। अभी कॉइन नहीं फेंक सकते यहाँ से, क्योंकि एसी है ना, आईना है बीच में, अमीर पैसे बहुत है, उड़ाया जैसे कमाया वैसे। क्या था मीम रे? दोस्त को 5 रुपए का चाय पिलाने के बाद। तो देखिए अभी टाइम है डिनर का, है ना? हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो सब लोग खाना लेके आ रहे हैं। पनीर धासु सच में भयंकर डिनर है, बुफे मजा आ रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, गर्दा लग रहा है। चलिए हम लोग खाना खा रहे हैं। पनीर है, राजमा है, पूड़ी है, छोले है, पुलाव है, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ। काफी मजा आ रहा है दोस्तों के साथ ट्रिप करने का, अलग ही स्वैग, अलग ही एक फील होता है। तो ये फील के अभी मजे उठा रहे हैं हम। तो अभी एंजॉय करेंगे हम अपना खाना आपके साथ। तो अभी हम हैं ट्रेन में कम से कम 1.5 दिन और, है ना? बहुत लंबा। तो ट्रेन 1.5 दिन तक हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे इसी व्लॉग में, ठीक है? ओके, कैसा है? बढ़िया, बिना लहसुन बिना प्याज का, सावन चल रहा है तो इस वजह से। हमारा खाना हो चुका है, अभी हम खेलेंगे प्ले कार्ड्स, है ना? कौन सा गेम खेलेंगे? ब्लफ, मजा आएगा। चल कैसे खेलते हैं? अभी पता चलेगा कैसे खेलते हैं, देखते रहिए, मजा आ जाएगा। तो ये मेरे कार्ड्स आप देख चुके हैं, और अभी ब्लफ गेम शुरू होने वाला है, काफी मजा आएगा, इंतजार करिए। अभी देखिए कैसे बनता है, ठीक है? ये बन चुका है इसका, समझ गए? इसी को ब्लफ कहते हैं। ये हमारा विनर मनिका, मनिका क्या है भाई, इतना सारा कार्ड इसके पास चला गया। यही गेम है ब्लफ, इसे कहते हैं। बाकी जो सीखना यूट्यूब से सीख लो। मैं ऑडियो सिखाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ तो हम सब लोग सोने के लिए फुल तैयार बन गए सब लोग। क्या क्या बन गए हम लोग? मॉर्ग रूम बन गया ना, मॉर्ग रूम बन गया। मॉर्ग रूम का पेशेंट का डेड बॉडी, तो टपक डेड बॉडी नहीं बनाया अभी तक, वही नहीं बनाया। कैमरा ऊपर लेके जाइए। हाँ रोहित जी, ऐसे ही करके कैमरा ऊपर लेके जाइए।
ठीक है। और उधर वाला लौंडा कहाँ गया, ऊपर है कि नहीं कोई? नहीं नहीं इस बार बीच में। अच्छा अभिषेक आ रहा है, सामने वाला मस्त है ना हनी, लाश पूरा होना। हाँ देख रहे इनको पूरा लाश बने हुए, भयंकर वाले लाश। तो अभी हम सोएंगे थोड़ा, एसी की वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा है, सर्दी सर्दी हो गया थोड़ा सा, आराम करेंगे। 12 बज चुके हैं, आराम से सुबह उठेंगे। सुबह हम लोग शायद पटना उठना पहुँच, नहीं पटना में टाइम, पटना में टाइम है, सुबह उठेंगे कहीं मस्त जगह पे, चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अरे बुआ डेड बॉडी बनो, डेड बॉडी बनो ऊपर, डेड बॉडी बनो ऊपर। चलिए गुड नाइट, चप्पल सब इधर खींचता। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुल्तानगंज। हम सुल्तानगंज स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बोलबम के लिए, बाबाधाम जाने के लिए सब लोग अभी उतर रहे हैं। काफ़ी लोग उतरे हैं लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म के सामने नहीं है तो अभी लोग नहीं दिखेंगे आपको। एक बार यहाँ का कहानी है सुल्तानगंज स्टेशन का, ये रहा। यहाँ पे मैं गलती से एक बार पहुँच गया था, गलती से दिल्ली से आते वक्त, तो वो कहानी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हम लोग फिर से कार्ड्स खेल रहे हैं और ये मेरे कार्ड्स ब्लफ खेल रहे हैं, फिर से मजा आ रहा है। कौन कौन ये लौंडा जीत गया फिर से? एक कार्ड से बहुत सारा कार्ड इसका हुआ है ना। रोहित जीत गया, बहरे बउआ ठीक है, मिलते हैं आपसे। गुल्लड़ वाली चाय है हमारी, खड़ा रहेगा रहे, नहीं, नहीं, नहीं गिर जाएगा भैया, ये गुस्सा दीजिए गिर जाएगा। गुल्लड़ वाली चाय हमारी, चाय बढ़िया हो ना भैया, पक्का कितना करके कप? ठीक है चाय गिरेगा, चाय गिरेगा। बहुत मजेदार है सच में, है ना भाई, बहुत बढ़िया चाय। ट्रेन में चाय मिले 30 रुपए में, 30 रुपए से। चाय कैसा लगा रोहित भाई? चाय नहीं पीते हो आज, चाय पी रहे हो ना, मजा आ गया? मजे आ गएंगे। जिनको नहीं पता बिहार में भी पहाड़ है, पूरा पहाड़ है। देखो जब हम बिहार राइड करेंगे तो आपको ये पहाड़ एकदम क्लोजली पास से दिखाएंगे। इन पहाड़ों पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, केव्स भी हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर जगह जो कि आपको बिहार राइड पे पता चलेगा बहुत ही जल्द जब हम बिहार राइड करेंगे अपने बाइक से। वाटर बोतल वेस्ट नहीं किया और 2 रुपये में 5 रुपये करके हमने पानी भर लिया। अभी हमें पटना जंक्शन पे और बिहार का काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे अभी हम लोग बिहार क्रॉस कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है काफ़ी। बिहार में मतलब बिहार जाने का बहुत मन कर रहा है ना भाई, बिहार जाने का काफ़ी मन कर रहा है क्योंकि मेमोरीज है अपने, बहुत दिनों से बिहार गया नहीं। अब बिहार राइड पे ही जाएंगे शायद बिहार, यह हमारा बिहार बड़ा प्यारा सा, खेत खलिहान ये सब देखता हो तो अपने गांव की याद आती है मुझे। ये गंगा नदी के हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। गंगा नदी अच्छा नीचे रोड है, रास्ता है ना, रोड है। ये देखो गंगा नदी ऊपर से पुल बना, बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस व्यू को, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे हम आएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पे संगम है, संगम ये पे। अच्छा अगर ये संगम संगम ये आ गया, अच्छा संगम आ गया तो हम जब प्रयागराज टूर करेंगे, प्रयागराज घूमने आएंगे तब संगम दिखाएंगे आपको आगे। तो ये निकल रही है हमारी ट्रेन, हम उतर चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन पे। अलीगढ़ जंक्शन का बोर्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, उतर चुका है अलीगढ़ जंक्शन पे। अभी यहाँ यहाँ से अभी हम निकलेंगे मथुरा की ओर, बस पकड़ के जाना पड़ेगा, नियर अबाउट 65 किलोमीटर है तो वहां तक हमें बस से जाना पड़ेगा या फिर कोई लोकल टैक्सी से, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन हमें गुवाहाटी से मथुरा तक की नहीं मिल रही थी। वही अलीगढ़ नहीं, डायरेक्ट ट्रेन गुवाहाटी से मथुरा तक का डायरेक्ट ट्रेन नहीं था ना, और यहाँ से भी कोई ट्रेन नहीं है मथुरा के लिए, तो हमें लोकल कोई ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, होटल जाते हैं फ्रेश। बाप रे बाप, 2 दिन से सही से फ्रेश व्रेश नहीं हुआ कुछ, तो ट्रिप अभी शुरू हो चुका है मजेदार से, मजेदार ट्रिप, मिलते हैं आपसे आगे। तो ये है अलीगढ़ टाउन,
मस्त एकदम छोटा सा जगह है, बहुत अच्छा स्टेशन पे उतारे हुआ है, मजा आ गया ना। यहाँ से जाएगी अभी हम बस स्टैंड की ओर, बस स्टैंड से फिर हमें 2 घंटे लगेंगे और मथुरा पहुंचने में। ट्रिप इज ऑन, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है। तो हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ बस स्टैंड, ये हमारी बस खड़ी है, इसी में हम जाएंगे मथुरा। अभी बस 10 मिनट में खुलने वाली है, मैं टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ, मुझे बड़ी जोर से आई है। अच्छा वो रही एकदम ओपन स्काई वाली मल्टी स्टार टॉयलेट, अंदर से सच को तो आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, अब होटल जाके ही होगा जो होगा। नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, फिर भी बोल रहा है बहुत जगह है, बकलोल है। हमारे मथुरा टिकट 97 पर पर्सन बस, ये बस ऐसा है ना, इतना कॉम्पैक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट है, उसके बैठे हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम परेशान हो रहा हूँ मैं अंदर में, लेकिन क्या करूँ, ट्रिप का पार्ट है ये भी एक मेमोरी बन जाएगी हमारी जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब कि जब हम वापस जाएंगे घर, कहानी बन जाती है, स्टोरी बन जाती है। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही जद्दोजहद के बाद मथुरा पहुंच चुके हैं, घटना उटना सब हिल चुका है। हंस रहा है, बता कैसा लगा तेरे को बस में? मस्त, मजा आ गया तेरे को? तेरे को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना, फिर कभी नहीं करना है। जय श्री राम। एनी कमेंट्स? जय श्री राम। राधे राधे मथुरा, राधे राधे, जय श्री राम। लेग रूम नहीं था ना हमारा BMW में, लेग रूम कम था ना BMW में, तेरा एकदम लेग रूम इतना था, 2 घंटे मतलब ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं। अभी होटल जाएंगे, होटल जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा नहीं पूरा फ्रेश होंगे भाई। कैसा लगा भैया लेग रूम में होटल का? ये मजा आ गया ना, स्पेशियस पर रोल्स रॉयस होटल। अभी हमें होटल मार्क में, और हमें यहाँ आने के बाद हमें मिले ये वेलकम कार्ड, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए मथुरा के बारे में कि यहाँ के मंदिरों के टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो अभी हम खोलेंगे जब रूम में जाके तो दिखाएंगे। अभी अभी वेलकम करने के लिए वेलकम ड्रिंक लेने गए हमारे लिए। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? वेलकम ड्रिंक? अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। रिफ्रेशिंग, इतने जद्दोजहद के बाद बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो बड़ा ही जद्दोजहद के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम। ये हमारा होटल रूम, हमारा रूम, और ये सब चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हैं। ये मिनी बार हमारा, ये भी कम्प्लीमेंट्री है, काफ़ी बढ़िया सा रूम है, और व्यू सामने कुछ ऐसा। ये रास्ता सीधा वृंदावन चला जाता है, आगरा चला जाता है, तो हो सकता है तो हम वृंदावन जाएंगे आज या फिर कल भी जा सकते हैं, देख लेते हैं, एक और प्लान करते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। हनी गया बाथरूम में फ्रेश होने, अभी मुझे भी फ्रेश होना है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो सफ़र शुरू होगा, अभी मतलब टूर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी, शुरुआत होगी, ठीक है। अभी हम पहुँच चुके हैं मथुरा में, कृष्ण नगरी मथुरा में, ठीक है। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना क्योंकि मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो विद दैट सेड, दाढ़ी वाला व्लॉग है साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।